इसमें लाने रहीम आई एम यूसफ सिद्दीकी यूर कोर्स फेसिलिटेटर फॉर रिटेल मैनेजमेंट सो रिटेलिंग क्या है सबसे पहले इस टॉपिक को हम यहाँ से आगाज़ करेंगे रिटेलिंग इन्वॉल्वस अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसज टू एंड कंज्यूमर थ्रू डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दब्जेक्टिव ऑफ इट इज़ टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट तो अगर मैं इस डेफिनेशन को सेमराइज़ करने की कोशिश करूँ चार डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर तो सबसे पहले ये एक प्रोसेस है दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ प्रोडक्ट सेलिंग टू द एंड कंज्यूमर टू द यूजर की बात हो रही है प्रोडक्ट कैन बी अ प्रोडक्ट और इट कैन बी अ सर्विस तीसरे लेवल के ऊपर यहाँ पर डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल स्टोर ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल स्टोर ऑल्सो इसी तरीके से द फोर्थ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज टू अर्न प्रॉफिट which is the main course, main objective of the organization. let me take you to, to another part of the definition. dusra part, if i say. so aapke samne, you can see it on the screen also. distribution of consumer products, we all know that starts from the producer and goes up till the consumer. so is pure process ke there, there is a middleman which is involved. and that middleman is called a retailer, which means the journey from Producer or the importer to the dist to, to the end consumer is actually you, you will find one party which is called a retailer. so here you will find a close connect between a consumer and a retailer. So, as a summary of the definition only, if I see it here, so it retailing involves selling of goods as well as selling of services or both goods and services both to the end consumer. People call it a B2B, not B2B, it is a B2C. So, what is B2B actually? We need to understand first because it is business to business. But in this case, when we talk about retailing, it is actually B2C, which is business to the consumer. When a particular organization is selling their products or services to the end consumer, which is B2C, which is called B2C, it is called uh, retailing in this perspective. All right. तो अब मैं आपको उस डायग्राम के ऊपर ले आया हूँ विच विल एक्सप्लेन यू डिफरेंट जर्नीज दैट अ प्रोड्यूसर विल फॉलो रीच टू इट्स कस्टमर तो सबसे पहले आपके सामने इफ यू सी सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर सो पहले पार्ट के अंदर यू कैन सी अ प्रोड्यूसर विच इज डायरेक्टली अप्रोचिंग अ कंज्यूमर सो देयर कैन बी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल आपको देखते होंगे कोई हनी सेलर है कुछ शहद को बेचने वाला है सो ही इज अ प्रोड्यूसर एट दैट टाइम एंड एट द सेम टाइम अगर वो कस्टमर को डायरेक्टली सेल भी कर रहा है सो दैट प्रोड्यूसर विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिटेलर सो देर कैन बी डिफरेंट रोल्स जो कि एक प्रोड्यूसर के हो सकते हैं जो कि एक रिटेलर के हो सकते हैं सो एट द सेम टाइम ही इज ए प्रोड्यूसर एज वेल एज द रिटेलर सो सेकेंड वे ऑफ रीचिंग टू कंज्यूमर इज वेर प्रोड्यूसर इनवॉल्वर इन टू द होल प्रोसेस इस तरह के केस के अंदर प्रोड्यूसर सेल करता है अपने प्रोडक्ट्स को टू द रिटेलर एंड रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल करता है टू द एंड कंज्यूमर देन देर इज अ थर्ड पार्ट जिस तरीके से प्रोड्यूसर इन्वॉल्व करता है एक और इंटरमीडियरी को जिस तरीके से हमने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया कि द रिटेलर इज़ वन ऑफ़ द इंटरमीडियरीज इसी तरीके से होल सेलर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरमीडियरीज इन द होल प्रोसेस तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सो प्रोड्यूसर सेल इट्स प्रोडक्ट टू द होल सेलरस होल सेलर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है टू द रिटेलर एंड देन रिटेलर ये प्रोडक्ट पहुँचा रहा है टू द एंड कंज्यूमर टू द फाइनल यूजर यू विल सी दैट और बहुत सारे केसेस के अंदर यू विल ऑब्जर्व ऑल्सो के देर आर सम पर प्रोड्यूसर के साथ होल सेलर के साथ रिटेलर के साथ के दरमियान में एक और पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है एज ए इंटरमीडियरी जो कि सम टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर के का तौर पर कहलाती है जिस तरीके से उस तरह के सैनैरियो में वट वुड बी दें प्रोसेस इट वुड बी लाइक के प्रोड्यूसर विल बी सेलिंग टू तो द डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर इस केस के अंदर सेल कर रहा होगा द प्रोडक्ट्स टू दी होल सेलर एंड होल सेलर विल बी सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स टू द रिटेलर एंड रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा टू द एंड कंज्यूमर इसके एग्जाम्पल को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं क्विकली जिस तरीके से लेट मी टेक गिव यू एन एक्जाम्पल ऑफ नेस्ले इन पाकिस्तान सो लेट्स और सेवर इन पाकिस्तान सो नॉर्मली वट दे डू दे सेल

टू दी होल सेलर एंड देन होल सेलर टू दू द रिटेलर अब इस तरह के लेट से नेस्ले की बात करते हैं या यूनिलेवर की बात करते हैं और पी की बात करते हैं इस तरह के केसेस के अंदर वो रिटेलर कौन है एक जनरल और कराना स्टोर वाला जो कि एक मोम पॉप शॉप है तो वो रिटेलर देन प्रोडक्ट को सेल करता है आपको और मुझे क्योंकि आप और मैं हैं कंज्यूमर एंड कंज्यूमर जिन्होंने उस प्रोडक्ट को फाइनली यूज करना है